हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एस की ग्राफिक एनिमेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग करना। देखिए, हमारे पास लेफ्ट में जो फ़ोटो है वो कितनी डार्क फोटो है, उसको एडिटिंग करने के बाद फ़ोटो इस टाइप की बन गई। हम इस टाइप से फ़ोटो को कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, हर ई वाली फ़ोटो ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू मोड इस टाइप से आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले यदि लेयर्स का ऑप्शन आपके सामने नहीं आ रहा है तो आप विंडो में जाएंगे, यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन है, ठीक। विंडो में जाएंगे, यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन है, F7 इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। इस लेयर्स वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जे से एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा, जो भी आपका इमेज वगैरह जो भी है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, नीचे वाला जो लेयर, जो हमारा पुराना लेयर था उसको हम हाइड कर देते हैं, ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करना है। और देखिए यहाँ पर आता है आपका ग्रुप ऑप्शन, क्रिएट इन न्यू ग्रुप पे हमने क्लिक कर दिया। इस ग्रुप को हम क्लोज करेंगे, ये वाला लेयर इस ग्रुप के अंदर ले जाएंगे, ठीक। अब इस ग्रुप को ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका, इतने सारे ऑप्शन आते हैं, हम क्या करेंगे सॉलिड कलर पे जाएंगे और एक कलर चूज कर लेंगे, कौन सा कलर, ये देखिए। इस टाइप का एक हम कलर चूज कर लेंगे, येलो के अंदर लाइट कलर, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने जो कलर सेट किया है यहाँ पे किया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। देखिए इसके बाद हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे आता है आपका ब्रश टूल, उसके बाद हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे आता है आपका ऑप्शन, सबसे लाइट वाला ब्रश, सॉफ्ट वाला ब्रश चूज करना है, देन हमारे ब्रश का साइज बड़ा कर लेना है, बड़ा करनी है, इसके ऊपर हमें चलाना है। देखिए ओपेक्सिटी 100 रखनी है और फ्लो भी 100 रखनी है, जहाँ जहाँ हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है और फोटोज़ का कलर चेंज करना है उस जगह को हम कलर से फिल कर देंगे। देखिए पूरे पैसे ही डाल देंगे, जहाँ जहाँ हमें, देखिए यहाँ तक हमें रखना है, ये भी रखना है। देखिए ब्रश बड़ा आपका इस वाले बटन से होगा, राइट वाले बटन से, और ब्रश छोटा आपका लेफ्ट वाले बटन से होगा। ऐसे पूरे पे आप फिल कर लेंगे। देखिए पूरा फिल हो चुका है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए फिल हो गया, उसके बाद इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मोड का ऑप्शन है, आप सारे मोड चेंज करके देख सकते हैं कौन सा इसके ऊपर फिट हो रहा है, ठीक। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करेंगे सॉफ्ट लाइट, ठीक, सॉफ्ट लाइट कर दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो कलर फिल है, इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करें, कंट्रोल दबाएंगे और माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे। देखिए ये सेलेक्ट हो गया है, अब चाहे तो थोड़ा देखिए हल्का फुल्का हमें काम खुद करना पड़ेगा, ठीक। कंट्रोल दबाया और माउस का लेफ्ट की प्रेस किया, देखिए ठीक पूरा सिलेक्शन बन गया है। उसके बाद हमें जाना है यहाँ पर, देखिए हमें सबसे पहले जाना है लेवल पर, लेवल पे जाके देखिए अप डाउन आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है, डन। हल्का हल्का हम लेवल वगैरह बढ़ाएंगे, कर्व बढ़ाएंगे, सारी चीज़ें बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे फोटो में ऐसे फिनिशिंग आती रहेंगी, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा यहाँ पे जाना है, कंट्रोल दबाया, माउस को लेफ्ट की प्रेस करना है, सेलेक्शन कलर, ठीक। हमें सबसे पहले देखिए ये है रेड कलर,
उसके बाद येल्लो पे जाना है, येल्लो भी ठीक है, और ग्रीन पे जाना है। ठीक, ये हमारा हो चुका है डन। ठीक, उसके बाद दोबारा यहाँ पे जाना है, कंट्रोल दबाना है माउस का लेफ्ट की प्रेस। उसके बाद हमें जाना है देखिए कलर बैलेंस। कलर बैलेंस में जाके हम चेक कर लेते हैं, पहले ये जीरो पे था, थोड़ा बहुत माइंड इतना बढ़ाएंगे बस। इसको भी हम कर देते हैं वन, इसको भी वन। ठीक है, ओके। ठीक, उसके बाद देखिए दोबारा इस पर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाना है माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें करना है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक, हम ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक, और कंट्रास्ट भी थोड़ा सा दे दिया फाइव। ठीक, उसके बाद दोबारा इस पर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाना है माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है, हमें दोबारा जाना है सेलेक्शन कलर में। ठीक, यहाँ पे हमें करना है देखिए रेड में जाना है, उसके बाद हमें दोबारा येलो में जाना है, डन। देखिए इतना हमारा हो चुका है, इतना हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है देखिए, दोबारा इस पर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाना है माउस के लेफ्ट की प्रेस करना है, दोबारा हमें जाना है लेबल पे। डन। उसके बाद हमें क्या करना है देखिए, सबसे ऊपर वाले लेयर पे जाना है और क्रिएट ए न्यू लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्रश पे सेलेक्ट करना है और 100 100, और यहाँ पे हमें ठीक ब्रश को छोटा कर लेंगे, और यहाँ पे हम देखिए ठीक जो होठो का कलर है हम उसको हम चेंज करेंगे। ड्रॉ करेंगे पूरे पे, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है देखिए, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपको करना है सॉफ्ट लाइट भी सही है, ओवरले भी सही है, हम सॉफ्ट लाइट कर लेते हैं। ठीक, सॉफ्ट लाइट में बहुत लाइट आ रहा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर देंगे। कंट्रोल जी करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो इसको हम ओवरले में जाके थोड़ा सा लाइट कर देंगे। देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल प्रेस करेंगे, और देखिए देखिए दोस्तों ये हमारा फोटो जो हमने, एक सेकेंड, कलर में थोड़ा सा इशू आया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, ब्रश टूल पे दोबारा जाएंगे, और यहाँ पे दोबारा देखिए थोड़ा सा छूट गया था हमारा। ठीक, ये देखिए, ठीक। उसके बाद दोबारा सॉफ्ट लाइट कंट्रोल जी, और इसका ओपेक्सिटी थोड़ा सा कम। ठीक, ये हमारा बन चुका है, रेडी हो चुका है। इसमें क्या करेंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल ई, इसका भी हम जो आई बटन है इसको क्लोज कर देंगे, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, और करेंगे कर्व, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देंगे, देखिए ठीक, ओके। इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, लेवल ठीक, ओके।
इमेज गेम में गए, एडजस्टमेंट में गए, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक, ओके। देखिए हमारा ये इमेज रेडी हो चुका है, अब हम देख लेते हैं हमारी पुरानी वाली इमेज कैसी थी और जो हमने एडिट करी है वो वाली इमेज कैसी बनी है। देखिए इसको हमने अनहाइड कर दिया है। देखिए क्रॉप टूल, देखिए सी पे प्रेस करेंगे क्रॉप टूल, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और थोड़ा सा बड़ा, और ए वाली इमेज को इधर लगा देंगे। देखिए देखिए आपके सामने दो इमेज है, जो लेफ्ट वाली इमेज है जो पहले की इमेज है जो हमने इसमें एडिटिंग करी है और इसके ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह सारी चीज़ें बढ़ाई है और कुछ कुछ चीज़ें एडिट करी है, उसके बाद हमारी फ़ोटो इस टाइप से बन गई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।